फिल्मी मिसाला नाव की वीक 5 की ऑनलाइन रेटिंग्स आ चुकी हैं, तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते की टॉप 10 टीवी सेलिब्रिटीज। जानेंगे कि आखिर किस किस टीवी एक्टर एक्ट्रेस ने टॉप 10 में जगह बनाई है। नंबर 10 पर इस हफ्ते आए हैं आशा सिंह, जिन्होंने हासिल किया 786 रेटिंग पॉइंट्स। आशा सिंह ने लास्ट वीक टॉप 10 में एंट्री ली थी। आशा सिंह इन दिनों गुम है किसी के प्यार में सीरियल में साई का रोल कर रही हैं। नंबर 9 पर आई है रूपाली गांगुली, जिन्होंने हासिल किया 802 रेटिंग पॉइंट्स। रूपाली पहले टॉप 5 में नजर आ रही थी, परंतु पिछले कुछ हफ्तों से रूपाली थोड़ी नीचे नजर आ रही है। लास्ट वीक रूपाली गांगुली नंबर 8 पर थी। नंबर 8 पर इस हफ्ते आए शरद मल्होत्रा, जिन्होंने हासिल किया 821 रेटिंग पॉइंट्स। नागिन 5 में वीर का रोल करने वाले शरद मल्होत्रा लास्ट वीक नंबर 9 पर थे। नंबर 7 पर आए हैं धीरज धूपर, जिन्होंने हासिल किया 862 रेटिंग पॉइंट्स। कुंडली भाग्य के कारण लास्ट वीक भी नंबर 7 पर ही थे। नंबर 6 पर आए हैं मोहसिन खान, जिन्होंने हासिल किया 877 रेटिंग पॉइंट्स। मोहसिन खान भी लगातार जबरदस्त रेटिंग्स ला रहे हैं। लास्ट वीक मोहसिन खान नंबर 5 पर थे। नंबर 5 पर इस हफ्ते आई है हेली शाह, जिन्होंने हासिल किया 887 रेटिंग पॉइंट्स। इश्क में मरजामा सीजन 2 में रिधिमा का रोल कर रही हेली लास्ट वीक नंबर 6 पर थी। हेली इन दिनों काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है। नंबर 4 पर आई है रूबीना दिलेख, जिन्होंने हासिल किया 934 रेटिंग पॉइंट्स। रूबीना लास्ट वीक भी नंबर 4 पर ही थी। रूबीना को बिग बॉस 14 विनर का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। नंबर 3 पर आई है कुंडली भाग्य की प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्या, जिन्होंने हासिल किया है 960 रेटिंग पॉइंट्स। श्रद्धा लगातार टॉप 3 में बनी हुई है। लास्ट वीक भी श्रद्धा नंबर 3 पर ही थी। नंबर 2 पर आई है शिवांगी जोशी, जिन्होंने हासिल किया है 967 रेटिंग पॉइंट्स। शिवांगी भी लगातार काफी अच्छी रेटिंग ला रही है। लास्ट वीक शिवांगी नंबर 1 पर थी। नंबर 1 पर इस हफ्ते आई है सुरभि चंद्रा, जिन्होंने हासिल किया 971 रेटिंग पॉइंट्स। नागिन 5 के एंड को लेकर सुरभि काफी सुर्खियों में है। लास्ट वीक सुरभि चंद्रा नंबर 2 पर थी। तो ये है इस हफ्ते की टॉप 10 टीवी सेलिब्रिटीज। अगले हफ्ते कौन बन सकता है नंबर 1? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।